वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं दुआ है यार, मैं खुशी। तो आज हम रिएक्शन करने वाले अज्जू भाई न्यू एटीट्यूड वीडियोस पर, जो कि आप लोग की रिक्वेस्ट है। तो ऐसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Portal Gaming, give it up for Dante Hindustani Games with Shubham. Thank you so much. Hello. कैसे हो, क्या हाल है? ये पता है आपको, मुझे लगा था कि आपका फेक मिलेगा। मैंने डबिंग किया था ना। पता है मैंने फेस रिवील के पीछे बहुत सारी मिथ सुनी थी कि अज्जू भाई अच्छे नहीं दिखते हैं, दैट्स व्हाई उन्होंने फेस रिवील नहीं किया है। शायद अब उन लोगों के चेहरे पे एक अच्छा खासा तमाचा लग गया होगा आफ्टर फेस रिवील। किसी का अंदाजा भी नहीं होगा कि हमारा टूर्नामेंट है भाइयों, और हम भी रहेंगे आपके साथ। मैं जोनाथन का 1v4 करने वाला हूं। पता है आपको मैं फ्री फायर खेला हूं, फिर भी बार बार नंबर आपको ही देता हूं। इक्कीस साल की एज में मैं काफी ज्यादा पैसे कमाता हूँ, ये बोलना झूठ रहेगा कि मैं कम पैसे कमाता हूँ, क्योंकि मैं एशिया का नंबर 1 गेमर हूँ। और भाई मैं 2-3 एम्प्लॉय रखने वाला हूँ नेक्स्ट महीने, सिर्फ पैसे गिनने के लिए। इतने पैसे कहाँ, मोटा पैसा दिखा तो कोई मारे जैसा, भीड़ में दिखे अलग चमक ऐसी। भाई मैं 2-3 एम्प्लॉय रखने वाला हूँ नेक्स्ट महीने, सिर्फ पैसे गिनने के लिए। इतने पैसे कहाँ से पैसे आ रहे भाई, कहीं पे भी तुम आओगे ना, मेरे घर पे आओगे ना, टेबल पे कहीं पे पैसे। भाई सच बता रहा वाले। भाई बस एक बार लड़की मिलने दे, बाकी सब मटेरियल तैयार है। जैसे ही लड़की मिलेगा ऐसे चुटकी बजा के शादी करके। अच्छा है। इतना सिंपल है यार, एक बड़ा यूट्यूबर इतना सिंपल कभी भी देखा नहीं। मैं सबसे एटीट्यूड रखता हूँ। एटीट्यूड देखे अभी एक बार ट्राई करना। एटीट्यूड नंबर 1 गेमर हूँ, और तुम समझ सकते हो उस बात से कि कितना कमाता होगा। एक मिनट, ये आईफोन 15 प्रो मैक्स जो कि मैंने इसके मतलब सॉरी एज हाइट रखने के पीछे एक ही रीजन है। मेरे साथ में खेलने वाले सभी गेमर 26 साल के हैं, कोई 25 साल का है, कोई 27 साल का है, और वैसे में उनको पता लगता कि मैं 21 ईयर का हूँ तो थोड़ा अजीब हो जाता। तो 21 इयर्स में बंदा 40 मिलियन क्रॉस करता है, माय गॉड इट्स मैं हूँ अल्ट्रा प्रो नेक्स्ट लेवल वाला इंट्रोवर्ट बंदा। मेरे को घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मेरे को बस घर में सोए रहना पसंद है। हम सर फिरे पिघले हुए पढ़ लो हमें, हम तो खुली किताब है, हड्डी में हम है और हम ही कबाब है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री का क्या सीन है? देखो तो इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री अगर देखा जाए, जो टॉप के बंदे हैं वो इतना कमा रहे हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। मतलब मैंने अपने आंखों से कुछ लोगों के कॉन्ट्रैक्ट देखे हैं जिनमें उनको स्ट्रीमिंग करने के ही महीने के 30-40 लाख मिलते हैं सिर्फ स्ट्रीमिंग के। उसके बाद यूट्यूब पे जो स्पॉन्सर है वो अलग, इंस्टाग्राम पे जो उनकी कमाई है, जो बड़े बड़े ब्रांड आते हैं वो 7 डिजिट में पैसे देते हैं। तो मैंने कुछ गेमर्स को देखा है महीने के 60 लाख कमाते हुए। अभी तो उन्होंने कुछ नहीं बनाया, बस सुना ना मैं बोल रहा हूँ। अज्जू भाई अज्जू भाई पूछ रहे हैं, तुम लोगों ने क्या अज्जू भाई का फेस रिवील का वीडियो देखा? हाँ भाई देखा है, लाइक भी किया, सब्सक्राइब भी किया है। और बोलो अज्जू भाई, लाइक सब्सक्राइब सब किया है, आपसे मुझे तुमको गिफ्ट देना है। सभी को, इन सभी को दो दो गिफ्ट भेजो भाई। दो नहीं, एक ही होता है, तीन ही होता है। मैं भाई इस में बंडल भेजो, कौन सा सबसे महंगी वाली आइटम दो, सबसे महंगी। कैसा क्या, आपको कैसा लगा मेरा गेम? मतलब आपने बढ़िया खेला, मजा आ गया ना? बहुत सही था, बहुत सही था। देख लो अभी मुझे टोटल गेमिंग में
प्रूफ दे रहे हैं, मतलब मैंने सबसे बेस्ट। देखो अभी अच्छू भाई को विजिमा खिलाने वाले हो। और मैंने जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है वो है मैंने घर खरीदा। सबसे पहले तो काफी बड़ा घर खरीदा है, और उसके अलावा स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करे हैं, उसके अलावा 3-4 स्टार्टअप में भी मैंने पैसे डाले हुए हैं, और भी चीजें मैंने इन्वेस्ट, काफी सारे पैसे मैंने इन्वेस्ट करके रखे हैं। और मैं सच बताऊं तो मेरे को काफी सभी इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट ही हुआ है अब तक। तो ऐसे गुजराती मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा सोचता हूँ। वो क्या बात है? हाँ आएगा, क्योंकि अब तक मैंने देखो वॉइस के साथ हम लोगों ने 37 मिलियन करे हैं। तो अभी तक चैनल को फेस भी मैंने दे दिया अपना वाला, तो कुछ अलग ही लेवल पे हम लोग जाने वाले हैं। अब खेलोगे ये गेम में? कब खेल जाओ? ट्राई करो कभी, खेलो पक्का पक्की बात। देखो अभी अच्छे भाई को विजिमा खिलाने वाले हो। हाँ इंस्टाग्राम ओपन है, अगर कोई लड़की देख रही है वीडियो और ओके ओके मैं कर सकते हो। सच बोल ले, कोई भी इसको नजरअंदाज मत करना। ओके 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 मैं अपना बता लड़का है क्या बंदा यार, इससे नहीं बोलना था। हमारे साथ है टीम टोटल गेमिंग, आपने डाउनलोड कर लिया सब कुछ? अरे यार आप तो पहले से प्रिपेयर्ड हो। फेस रिवील तो सभी लोग पापा को कॉल कर रहे हैं कि अज्जू भाई से मिला दो। पापा भी शौक में कि अज्जू भाई कौन है ये, कल तक तो अजेंद्रता करके अभी कैसे अज्जू भाई हो गया, वो वाला सीन है। तो हाँ सबका रिएक्शन अभी के टाइम में बहुत ज्यादा क्रेजी है भाई। और ये फील तुमको कब आएगा पता है? जब तुम लोग काम करने पे लग जाओगे, अच्छे पैसे कमाने लगोगे ना, तब आपके पापा को किसी का कॉल आएगा और आपके बारे में पूछेगा ना, तो वो वाला फील तुमको तब फील होगा कि क्या होता है। बहुत क्रेजी फील होता है भाई वो वाला। क्या आईफोन 15 प्रो मैक्स जो कि मैंने इसके मतलब पिछले महीने खरीदा था, और मैं हर महीने बहुत सारे आईफोन 15 प्रो मैक्स खरीद सकता हूँ। एक मिनट और इनकम भी दिखाता हूँ। इतने पैसे नहीं पड़े अभी तो भाई, पैसे कहीं पे भी यार अज्जू भाई भी लाइक अंबानी मेरे। हैंडसम तो है अब मेरे भी लोग। ओह माय गॉड शर्म आ रही मैं हैंडसम लड़कों में बात करूं तो अज्जू भाई का नाम इट लुक्स क्यूट यार। अभी हम सर लाइफ में धक्का मार के गिराने वाले तो बहुत मिलेंगे, बस उनके सामने खड़े होने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यात्रीगण कृपया सावधान हो जाइए क्योंकि तबाही होने वाली है। लोगों की जलानी है तो तरक्की तो करना पड़े ना मेरी जान। ये बात मैं क्या बोलूं, तुम लाइफ में कभी तुमको प्यार हुआ है? हुआ था यार। क्या हुआ उसके बाद? वन साइड लव था, उसको पता ही नहीं लगा और मैंने कभी उसको बताया भी नहीं। उसका तो अलग ही मजा है ना जी भाई, क्या वो क्रश थी भाई, वन साइड ही क्रश होता है भाई। वो बचपन में खूबसूरत थी, जब मैं अभी देख रहा हूँ तो बहुत और खूबसूरत है। तो हेलो 37 मिलियन सब्सक्राइबर्स, मेरा नाम है अज्जू भाई अजेंद्र भरिया और आप सभी का स्वागत है मेरी रियल लाइफ में। रियल वाह भाई, सारी वीडियोस फुल ऑफ एटीट्यूड थी और सारी वीडियोस ने आग लगा दी।
और लोग तो इनके बारे में जो जो भी बोल रहे हैं, जैसे ही इन्होंने फेस रिवील कर दिया और इन्होंने जो लड़कियों वाली बात बोली थी उस पर तो लड़कियां बिल्कुल ही पागल लाइन लग गई थी। उनके बारे में तो जो भी बोल रहे हैं कम है, हर कोई बोल रहा है कोई क्यूट हैंडसम, लेकिन सबसे पहले तो इनकी गेमिंग आती है जो कि एशिया के नंबर वन गेमर है, इनकी जितनी भी तारीफ करे कम। गाइस आप बताना आपको हमारे एशियन कैसा लगा, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।